तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा। सारा ब्लॉग में वेलकम हो गया, आपको पहचान तो लिया होगा आपने। तो जनाब, हमने सोचा आज आपके साथ अपनी रूटीन जो है मॉर्निंग की उसको शेयर करते हैं और उसका व्लॉग बनाते हैं। और जैसा कि रूटीन तो डेली की एक ही तरह की होती है, तो सोचा चलें व्लॉग बना के अपने जो है फ्रेंड्स और बहन भाई हैं यूट्यूब पर, उनको भी शेयर करते हैं कि हम क्या करते हैं सुबह के टाइम। तो जनाब ये देखें, हम सबसे पहले कुछ लोगों को नाश्ते में जो होता है कि पराठा पसंद होता है और कुछ लोगों को एग स्लाइस पसंद होता है, अंडा ब्रेड। तो आप भी ज़रूर बताइए कि आपको नाश्ते में क्या पसंद है। और क्योंकि मेरी सिस्टर है, उनको पराठा बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने उनके लिए पराठा बनाया, क्योंकि वो एग स्लाइस कम कम खाती हैं और उनका होता है कि मुझे पराठा दो, उसको अचार के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें जनाब, मैंने मिनटों में जैसे कि मैं पराठा बनाती होती हूँ, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो मौसम भी ऐसा है ना, तो उस वजह से वो हो जाती है काफ़ी ज़्यादा खिच 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 खिच, है ना, गले में खिच खिच। तो ये देखें, अरे ये पराठा जो है ना, मैंने आपको बताऊँ, मैंने अपनी भाभी से सीखा था, और फूल पराठा इसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने उनसे सीखा था और फिर मैंने ट्राई किया, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनता होता है ना। तो ये देखें, तो आप ही बताइएगा कि आपको क्या पसंद है सुबह के टाइम नाश्ते में। आई थिंक सुबह कहते हैं कि हैवी नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि रात के हम जो है भूखे होते हैं, ठीक है, और सुबह के टाइम आपको हैवी नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हैवी नाश्ता बहुत मुश्किल होता है करना, बट कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए जनाब, हमने पराठा जो है तवे पर डाल दिया है, और अच्छा आपको ये कैमरा हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि मैं मासूम बच्ची अकेली जो है वो वीडियो बना रही हूँ, कैमरा पकड़ा हुआ है एक हाथ में और दूसरे हाथ से ये मैं काम कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हमें अपना काम खुद करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, सब कुछ एडिटिंग सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है। तो गाइस, आप सपोर्ट करें ना, लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, यू कैंट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। तो जनाब, एक तरफ हमने चाय रखी हुई है, देखिए हमारा पराठे का रंग देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो ये काफ़ी क्रिस्पी भी है, तो इसको अच्छे से आपने पका लेना है। मुझे क्रिस्पी पराठा ज़्यादा पसंद होता है, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत ढीला ढाला सा पराठा खाते हैं, यानी ये क्रिस्पी नहीं खाते, तो मुझे उसका मज़ा नहीं आता है। मुझे होता है कि नहीं, पराठा हो तो क्रिस्पी और क्रिच क्रिच करता हो, यानी उसकी आवाज़ आए ना पापड़ की तरह। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्लेट में निकाल लिया है पराठा, दूसरी तरफ ये चाय बेचारी पक पक के इसका चुकावा है ना, वो कह रहा है भाई डाल दो, मेरी तरफ भी आ जाओ, दूध डाल दो। तो जनाब, ये हमने इसमें दूध ऐड किया है, और मेरी फेवरेट जो होती है दानेदार, मुझे चाय बहुत पसंद है और उसका फ्लेवर इतना अच्छा है। गाइस, आप भी ज़रूर दानेदार चाय इस्तेमाल कीजिएगा, उसका बहुत बहुत ही बहुत टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हो गया, अब एक तरफ हम जनाब अंडा फ्राई करते हैं, ये तो लाजमी होता है, यानी कि मेरी सुबह के नाश्ते में अंडे के बगैर तो नाश्ता हो ही नहीं सकता, पर ये टूट गया है बेचारा, है ना, तो ये सिस्टर को दे दूँगी। तो ये देखें, मुझे ये बैली वाला जो है ना, मैं इसको कहती हूँ बैली एग, तो मुझे ये पसंद है। तो मैं इस तरह का खाती हूँ, टूटा हुआ जो होता है ना, हालाँकि अंदर जाके टूटा ही होता है, लेकिन मुझे होता है कि नहीं, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए एग, वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, प्यारा प्यारा सा फुल, जर्दी नहीं टूटनी चाहिए। किस किस को ऐसा होता है कि जर्दी नहीं टूटनी चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, अंडे की खासियत यह है कि बहुत जल्दी पक जाता है, और इसकी इससे प्रोटीन होती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है, आप अंडे को रोज़ाना बॉयल करके खाएं तो वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डेली दो अंडे उबाल कर सुबह के टाइम। तो ये देखें जनाब, हमने इसको ये देखें बना लिया है, अब आ जा ये देखें हम नखरे कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया, ठीक है, तो ये मैं खुद खाऊंगी, और टूटे वाला जो है वो सिस्टर को दूंगी, वो खा लेती है ना, नखरी नहीं करती। तो ये जनाब मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि मुझे लाइट नाश्ता पसंद है ज़्यादा, पराठा कभी कभी, सर्दियों में तो पराठा ही होना चाहिए,
लेकिन गर्मियों में जो होता है ना, मुझे होता है कि लाइट लाइट, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया इसका चाय का। हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो ये देखिए जरा मज़ेदार कड़क। तो हमने स्लाइस को दूसरी तरफ सेक लेना है ताकि सड़ ना जाए, है ना, जल ना जाए। मुझसे अक्सर होता है कि मेरे जो स्लाइसेस सड़ जाते हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक, हमारा नाश्ता एकदम तैयार है खाने के लिए जी। तो हमने सोचा बर्तन सबसे मेन काम, किस किस के हिस्से में बर्तन धोने के लिए आते हैं ज़रूर बताइएगा, और किस किस को पसंद है, कौन कौन भागता है बर्तनों से। तो ये देखें, अच्छा लिक्विड से ना बर्तन धोने का अपना ही मज़ा आता है, मिनटों में सारे बर्तन जो है ना वो धुल जाते हैं। तो ये देखें मैं कैसे फट जो है ना बर्तनों को धोने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जल्दी से मेरा काम हो जाए। मुझे हर काम होता है कि जल्दी में करना होता है, यानी कि आराम आराम से, सुस्त सुस्त मुझसे काम नहीं होता। तो मैं कहती हूँ काम जो है वो जल्दी से करो, झटपट करो और बिल्कुल एक्टिव होकर करो। तो ये देखें, और मुझे लगता है कि बर्तनों को ना हमेशा आप अगर सलीके से लगाएंगे ना तो काफ़ी जगह बन जाती है। कुछ लोग होते हैं ना कि बर्तनों को जो भी प्लेट में हाथ में आई है पीछे प्लेट रख दी है, कप आया कप रख दिया है, और जो कटोरी होती है वो उसके ऊपर रख दिया है, फिर देगची है वो रख दी है, चम्मच है वो रख दी है, यानी कि सब कुछ ऐसे वो जंजालपुरा की तरह ना मतलब खिचड़ी पका देते हैं ना, तो जिससे जगह ही नहीं बचती है ना बास्केट में। तो मेरा होता है कि तरीके से पहले कप्स रखो, फिर साइडों पे प्लेट्स रखो, ठीक है, और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है, और आप चाहे तो कितने भी बर्तन आपके हों आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, यानी कि छोटी चीज़ें एक तरफ, कटोरी एक तरफ और बड़ी प्लेट्स एक तरफ। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लगा सकते हैं बर्तनों को। तो सॉरी गला ख़राब है, क्या कर सकते हैं। और एक्चुअली साथ में हमारी जो मेड है वो भी काम शाम कर रही थी, तो मुझे एक्चुअली वॉइस ओवर करना पड़ा। तो हमारे बर्तन ये देखिए रेडी हो गए, तैयार हो गए हैं और बिल्कुल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं आपको दूसरा प्लेट लेके चलते हैं, मौसम दिखाते हैं और देखते हैं कि मेड ने कैसा काम किया है। तो ये देखिए उसने धोया है आज, क्योंकि बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मौसम आंधी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए रोज़ाना जो है ना वो धुलाई कराना बहुत बहुत कह लो कि मुश्किल भी लगता है, लेकिन वो कराना पड़ता है, ठीक है, पौधों की भी सुनी जाती है। तो ये देखिए मैं मौसम आपको दिखाती हूँ, ये मौसम का जादू है मितवा। तो ये देखिए, अच्छा पौधों पे जब पानी का छिड़काव करते हैं ना इतना उसमें जान आती है ना, मैं कहती हूँ वो ऐसे लहराते हैं जैसे क्या बात है। तो ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए इतना खूबसूरत हवा चल रही थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए ये जामुन का दरख्त है, इसको तकरीबन 10-15 साल से भी ऊपर हो गया, 15-20 साल ऑलमोस्ट हो गए। अब जाके इसके ऊपर वो कहते हैं ना जो बोर होता है वो लगा है। ये देखिए ये छोटी सी नीम का पौधा था जो लगाया था, और माशाल्लाह से मुझे लगाया था, इतना ये बड़ा हो गया ना अब कि लोग इसके साए में बैठते हैं, जब दूध वाला आता है ना तो इधर बैठता है क्योंकि बहुत धूप होती है भाई। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये पौधा लगाया था, और ये अब इस पर जामुन जो है वो लगेंगे, फ्रूट लगेगा माशाल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये रबड़ का जो पौधा है ना, ये एक अम्मी जी को पसंद आया था, अल्लाह बख्शे, और अल्लाह ताला उनको जन्नत के पास लगाया था, उन्होंने लगाया था, एक टहनी तोड़ के लेके आई थी वो, ठीक है, और अम्मी जी के हाथों में इतना वो था ना माशाल्लाह से कि जो भी चीज़ लगाते थे ना इस तरह से फलती फूलती थी कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए इतना बड़ा ये पौधा हो गया ना माशाल्लाह, ये देखिए बारिश का पानी तो ये पड़ा हुआ है। और ये था जनाब, ये देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। तो ये था हमारा ब्लॉग, लाइक करें, पसंद करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।